नमस्कार साथियों, सीबी बिकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। यूपी आईटीआई में तीसरे राउंड के लिए फॉर्म में करेक्शन करना होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि फॉर्म में करेक्शन करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे यहां पे देख सकते हैं और 25 सीटों का लिस्ट भी यहां पे जारी हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप जो है 25 सीटों का लिस्ट देख सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखें, फॉर्म करेक्शन करने से पहले आप जो 25 सीट हैं उनको एक बार पहले चेक कर लीजिए कि किस कॉलेज में, किस ट्रेड में कितनी सीटें बची हैं। अगर 25 सीटें बिना देखे आप करेक्शन कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए पहले 25 सीटों का लिस्ट देख लीजिए। 25 सीटों लिस्ट देखने के लिए दोस्तों आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, scbtup.in। और यहाँ पे देखिए एक नया लिंक एक्टिवेट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश सत्र 2024 हेतु द्वितीय चरण के प्रवेश उच्चीकरण के उपरांत पड़ावों के रिक्त सापेक्ष नए विकल्पों का ऑनलाइन सबमिशन। तो यहाँ पे जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है द्वितीय चरण के उच्चीकरण के पश्चात रिक्त सीटों का विवरण राजकीय यानी गवर्नमेंट में कितनी सीटें बची हैं यहाँ पे दिया गया है, और प्राइवेट में कितनी सीटें बची हैं यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप गवर्नमेंट में चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और प्राइवेट में चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है फॉर्म में करेक्शन करने के लिए मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा। चलिए पहले गवर्नमेंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कितनी जो है कहाँ पर सीटें बची हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट, तो आप यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं वाराणसी का सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि वाराणसी से मैंने आईटीआई कर रखा है। यहां पे इसके बाद जो है, फिर इसके बाद जो है आईटीआई कॉलेज में आप यहां पे जो भी कॉलेज है यहां पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद जो है जो कॉलेज है, चार कॉलेज हैं वाराणसी में, यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। जिससे मैं करौदी पे फेमस करौदी, तो यहाँ से जो है क्लिक कर देंगे इस पर, और इसके बाद जो है यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मतलब ग्रुप नेम, ग्रुप में आप में कौन सा ग्रुप ए भरे हैं, ग्रुप बी भरे हैं, ग्रुप ए में 10वीं पास, ग्रुप बी में 8वीं पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद जो है जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी हो जाएगा। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे लिखा है वैकेंट सीट पोजीशन ऑफ फॉर थर्ड राउंड। तो यहां पे तीसरे राउंड में कितना कहां पे सीट बची है यहां पे आप जो है देख सकते हैं। जैसे मैं बात करूं यहां पे सबसे जो आप लोग को पसंदीदा है, देखिए इलेक्ट्रीशियन में देख लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि इलेक्ट्रीशियन जीरो के बराबर हो जाता है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन में जीरो सीट हो चुकी है, और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में दो सीट बची हुई है। और दूसरी बात फिटर में भी देख लेते हैं एक बार, फिटर में देखिए एक सीट बची हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों मैंने बताया था कि जो है तीसरी जो राउंड होती है उसमें इलेक्ट्रीशियन फिटर बहुत कम मिलता है, चांस बहुत कम रहता है। लेकिन और सब में यहाँ पे सीटें बची हुई हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है डीजल मैकेनिक में, और यहाँ पे प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर में 22 सीटें बची हैं। टोटल में अगर बात करूँ टोटल यहाँ पे 251 सीटें अभी बची हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा सीटें बची हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सर, टर्नर में डीएसटी में जो है 12 सीटें हैं, सर्वेयर में 8 सीटें हैं, टर्नर डीएसटी में 4 सीटें हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे कितनी सीटें बची हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आप यहाँ पर अपना चेक करके फिर इसके बाद फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया गवर्नमेंट में कैसे चेक करना है, सेम टू सेम ऐसे प्राइवेट में भी आपको यहाँ पर चेक करना है। प्राइवेट वाले पे क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इससे मान लीजिए मैं अम्बेडकर नगर देख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे नेम आप आईटीआई, इसके बाद जो है यहाँ पे कोई भी आईटीआई लेते हैं यहाँ से, और इसके बाद जो है ये सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये वे कर देंगे, ठीक है। अगर आप आठवीं आवेदन किए हैं तो वहाँ पर आप भी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर देख लेते हैं रिजल्ट। यहाँ पे दोस्तों प्राइवेट में बात करें तो देखिए ग्रुप ए में जो है यहाँ पे फिटर में जो है 79 सीट यहाँ पे बची हुई है, इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे फुल हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे बस 79 सीट बची है, बहुत ज़्यादा सीटें बची हैं प्राइवेट में। तो आप प्राइवेट में कभी भी करा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना 25 सीटों का लिस्ट देख सकते हैं। ध्यान रखेंगे सीट लिस्ट देखने के बाद ही करेक्शन करिए। मैं अगली वीडियो में भी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं कैसे सही तरीके से करेक्शन करना है। और अंतिम तिथि 2 सितंबर, इसको बात को ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।